छुट्टी का दिन हो और खाने पीने की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। गाइस आज मैं घर पर हूँ और आज जो हम टेस्ट करेंगे वह करेंगे फिश मछली, उसका टेस्ट लेंगे। गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं मार्केट, वहाँ से मछली लाते हैं, देखते हैं वहाँ की कैसी प्रक्रिया रहेगी, जिसको जो कटिंग करते हैं वो किस तरह से करते हैं, सभी इस वीडियो में दिखाएंगे हम आपको। और जब वो बन जाएगी उसको उसके भी दिखाएंगे, जब वह बन जाएगी रेडी हो जाएगी उसके बाद भी हम आपको दिखाएंगे। जहन गाइज मैं हूँ आदिल और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। गाइज जैसे कि आपको मालूम है हमारे चैनल पर डेली एक व्लॉग आता है, तो गाइज आज हम घर पर है, आज जो व्लॉग होने वाला है हम मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से फिश लाएंगे और उसी को रेडी कराएंगे कैसे होती है, इसके लिए क्या करना होगा वीडियो पूरा देखना होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो करते हैं लेट्स स्टार्ट, तो चलें। चलिए जी हरी हमारी स्प्लेंडर बाइक, चलते हैं मार्केट। प्लीज स्विच ऑन इज ऑन, तो चलें। गाइस जब खाने पीने की बात होती है ना और उसमें मीट का नाम हो तो अलग ही अंदर फीलिंग आती है, अलग ही मज़ा आता है उसका। तो गाइस हम फिलहाल बाइक पर हैं और जा रहे हैं मार्केट मछली लेने, फिश लेने। आपको पूरी पूरी क्रिया दिखाएंगे जो फिश की कटिंग होगी और कैसे बनेगी, तो गाइस वीडियो पूरा देखना है आपको। हम जा रहे हैं फिलहाल बाइक से, हमारी स्प्लेंडर बाइक छोटी सी है पर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, छोटी सी है पर बहुत अच्छी है जी माई बाइक। वो शायरी तो आपने सुनी ही होगी ना किसी शायर से, कि अपना मिट्टी का दिया, अपना मिट्टी का दिया चांद से उस बेहतर है। यानी जो आपके पास मिट्टी का दिया है ना उस चांद से बेहतर है, अगर आपके पास झोपड़ी है ना तो वो महलों से भी बेहतर है। तो गाइस इससे सोचकर अपनी जिंदगी है जो इसको बशर करनी चाहिए। फाइनली गाइस हमने यहाँ से मछली ले ली है, आपको दिखा होगा कि हमने कैसे कटिंग हुई इसकी, अब दिखा देंगे आपको घर जाकर बनाकर इसको, तो चलते हैं। यहाँ पर पहले हम इसको पानी में क्लीन करते हैं, उसके बाद इसके अगली प्रक्रिया क्या होगी देखिएगा वीडियो में। अभी इसमें आटा है जी, इसको डालते हैं, इससे क्या है ना इसकी स्मेल है जो वो खत्म हो जाती है। इस पर जो आटा है वह हमने लेप कर दिया और उसमें पानी से इसको फिर से वॉश करेंगे और फिर से तीसरी बार इसको आपको ऐसे ही लगातार 4 या 5 बार उसको वॉश करना है और फिर आपको इसे लगभग 15 मिनट के लिए पानी में ही रेस्ट देना है। यह फिलहाल फ्राई हो रही है गाइस, देख सकते हैं इसको फ्राई, ये बनी है जी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसको तो लगभग खा सकते हैं 4 या 5 मेंबर। और मैंने ऊपर से डाल दिया इसमें ग्रीन हरा धनिया, उसकी जो खुशबू है ना हरे धनिया की बिल्कुल कमाल कर रही है जी। अब इसको टेस्ट करते हैं जल्दी से, तो चलेगा जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। और क्या हाल है गाजी, हाय करो, क्या खाएगी आता आज? फिश। तो क्या खाएगा भाई? फिश। हिंदी में क्या कहते हैं? मछली। मछली खाएगी तो उसको कांटे छुप जाएंगे पेट में। तो चलिएगा जी इंजॉय करते हैं, तो चलिएगा जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। वाओ ये है ना गाइस, इसका काफ़ी मस्त लग रहा है, ये चिकना चिकना होता है ना, इसका अलग ही आनंद आता है खाने में।
पहले इसको ऐसे ही टेस्ट करें। तो गाइस आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा, जो हमने आपको यार किस्ती जो हमने कटिंग करके जो रेडी करके आपको दिखाई, इसकी पूरी प्रक्रिया आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को सेट कर दे करो। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों पर भी शेयर करें। गाइस मिलता हूं नए प्रकार के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।